बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बेनीपट्टी अनुमंडल के थाना अध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बढ़ते ठंड और आने वाले कुहासे को देखते हुए क्षेत्र में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने, अपराध नियंत्रण पर फोकस रखने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, रोको टोको अभियान चलाकर तस्करों और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, महीने में दो बार थाना परिसर में गुंडा का परेड आयोजन करने, जनता दरबार से आए हुए आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, ससमय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, नियमित रूप से केस डायरी संधारित करने, इश्तेहार चिपकाने के कार्यों में तेजी लाने, ससमय सुबह दिवा रात्रि व संध्या गश्ती निकालने एवं वाहन जाँच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि कुहासे का समय आने वाला है, इसमें सभी थाना अध्यक्षों को विशेष रूप से सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में पैनी नजर बनाए रखें और विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखें, साथ ही असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखें। मौके पर पुलिस निरीक्षक साहब बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद, अरेर के थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार, खिरहर के अंजेश कुमार, मधवापुर के राजकुमार मंडल, हरलाकी के अनोज कुमार, बिस्पी के राजकुमार राय, पतौना के प्रहलाद शर्मा, औसी के हरिद्वार शर्मा और रीडर रंजीत कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। घर जाएगा आप देखा हम देखे गया है थानेदार गरम पड़ा है सस्ते हो। भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।